हेलो एवरीवन, सुमन शशिकांत्स किचन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं लहसुन मूंगफली की चटनी, जिसे कि वड़ा पाव के साथ खाया जाता है। इसके लिए देखिए, हमें लगेगा लहसुन, थोड़ा सा सूखा नारियल है, देखिए मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है, थोड़ी सी मूंगफली लगेगी और थोड़ी सी लाल मिर्च लगेगी, तिल भी लगेगी, वो हम थोड़े देर बाद रोस्ट करेंगे। सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया है और इसमें हमने मूंगफली डाल दी है और मूंगफली को रोस्ट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से जलाना नहीं है बट इसे अच्छी तरह से रोस्ट करना है। अब हम नारियल जो है हमारा ये डाल देते हैं और नारियल को भी गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। ये देखिए हो गया है हमारा अब गोल्डन ब्राउन, इसे भी हम निकाल लेते हैं। ये निकाल लिया हमने, अब हमारे बचे हुए इंग्रेडिएंट इसमें डाल देते हैं, यानी कि हमारी लहसुन और लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया है। अब मैं लहसुन और लाल मिर्च को भी रोस्ट कर लेती हूँ, इन्हें भी गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। ये देखिए, ये बड़े जल्दी हो जाते हैं, टाइम नहीं लगता है बहुत ज़्यादा। ये देखिए हो गए, अब इन्हें भी मैं निकाल लेती हूँ और सारे इंग्रेडिएंट को ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जब तक कि ये ठंडे होंगे तब तक के हम तिल को थोड़ा सा भून लेते हैं हम, ठीक है। ये जब तक ठंडे होंगे, अब हम ले लेते हैं एक छोटा वाला फ्राई पैन जिसमें हमने तिल डाल दिए हैं। तिल के थोड़े से ही दाने डाले हैं, 1 टेबल स्पून ही डाले हैं मैंने। ये देखिए, ये भी गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसकी फ्लेम भी बंद कर दी है मैंने। ये जब तक ठंडा होगा तब तक हमारी ये जो पुराने इंग्रेडिएंट जो हमने पहले से रोस्ट करके रखे हैं, ये ठंडे हो गए हैं। इन्हें हम मिक्सर जार में डाल देते हैं और अब इसे पीस लेते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, ये देखिए इस तरह से पीसना है हमें। अब हमने इसमें हमारी जो रोस्टेड तिल है यानी कि सेसमे सीड्स, वो भी डाल देते हैं। अब इसे एक बार और चला लेते हैं, मैंने चला लिया है। ये अब सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिल गई हैं। ये देखिए, इन सभी को मैं किसी एक बर्तन में निकाल लेती हूँ और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। ये देखिए, नमक आपको जितना डालना है उतना डाल सकते हैं आप, स्वाद अनुसार मतलब। और लाल मिर्च, अगर आप ज़्यादा तीखी खाते हैं तो आप ज़्यादा लाल मिर्च डालिए, कम खाते हैं तो कम डालिए। ये देखिए, अब ये हमारी वड़ा पाव वाली लाल चटनी लहसुन और मूंगफली की, महाराष्ट्र में शेंग दाने की चटनी ऐसे कहते हैं, ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। जब भी आप वड़ा पाव बनाएं, इस चटनी को ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही आसान है और बहुत स्वादिष्ट है। और सुमन शशिकांत किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।